हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो और सब जय मसीह की। प्रभु संभाला सप्ताह दिन ने, चल बा फिर बा उठ बा बस बा ने, हर चीज ने मदद कर ला और राजीव दिन के देरा धन्यवाद। महान है, जीवित परमेश्वर है, करुणा निधान दया सागर है, पाप पे क्षमा कर बिता है। प्रभु आज हमके सबके संभाल रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैं तब के आज सांग भी अच्छा ले सुना, अच्छा ले हमके सुनबार दिमाग ने बसाए रह पा रहे हैं। हम कौन चल रहे परमेश्वर हमके बुद्धि ज्ञान सब दिला दिला के नहीं हमके चलाए अभी तक कौन है हमार मन। हालेलुया मैं आज तुमके सांग भी मनर बारे में। हालेलुया हमके कौन चलाए से अच्छे मन ना ले कुन बड़ जीव अच्छे मन ना लाले किन मर ना जाए भाई जने मन ला ले चर्चा से मन ला ले प्रार्थना कर बोचू मन ला ले सोई रह बोचू मन ला ले उठ बोचू काम बोता सब कर बोच काय ला ले कर बोचू सिर्फ मन ची ला ले कर बोच मन ला ले भात खाए बोच मन ना ला ना खाए बोच भाई जने तसे मन ला ले ची कर बोच कि ना ये मन वाले ने काय का ची निकला परमेश्वर ये बाइबल निकाल कर जिक्र कर ला आज हमके कोना चला इसी आज एवना बहुत बड़े को शब्द ने गोटो को वचन निकला आज मस निकला एक दे ने तीन आ दिया मदिर अच्छे सुषमा चा तीन आ दिया एक लेदर की एक दुई पढ़बू उन दिनों में यूना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया मरकुस एक अच्छा चार अभी नहीं एक अच्छा यूना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ की बपतिस्मा का प्रचार करता था। हालेलुया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और इतिकाय लिख सिया चे मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करता था। लुका 3:3 निकाय निकला चे ये कराय के पढ़ा हुई लुका 3:3 ने महायर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा सप्ताह ने निकला चे। हालेलुया मन फिराओ बपतिस्मा प्रचार करता था। ई मनर बारे ने गाय तो यूना यूना प्रचार कर सिया जे मन को फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। बता मन के तभी मर बाटी आना वाला स्वर्ग राज लगे आची बसी आचे मन के मरवाटा हमार मन के हमें विचित्र मन हमार मन के काय कर गोचु बायविकार को नहीं गोच हम बायविकार हमार मन है बायविकार नहीं करा आचे मन है बोक्तिस बना हमें सी आचा हमार लगे मन है बोक्तिस मां कसर नहीं सी मन का बोक्तिस मां हो ना बसी आचे थी। हालेलुया हालेलुया ये मन बहुत खतरनाक चीज है। ये हमर शरीर ने जो हमर आचे नहीं हमर हृदय ने हमर दिमाग ने हमर विचार ने ये मन बहुत का है खतरनाक है कसम खतरनाक है। हवा के शैतान काय करना गोटा प्रश्न हवा के शैतान काय करना मन के चिकला आई कि नहीं मन के झिकी करी है फल के मन के काय करला बार बाटे नेला बड़ा मुश्किल है मन मन। हेलो भैया आजी दका थोड़े नहीं हमारे मन लागले लोग चर्च बस बात मन लागले लोग चर्च ले उठी कृजी बात मन लागले चर्च पे नाश बात मन लागले प्रार्थना करवाच मन लागले सब कुछ करवा मन आ मुश्किल है
बड़ा खतरनाक चीज है मन। ये मन कौन ताने मन लगाए हुआ है हमके? रोमी आठ और पांच निकला, कौन ताने हमके मन लगाए हुआ है? रोमी आठ और पांच, क्योंकि हाँ शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और मुक्ति है। कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। ये मन हमके कौन काम लगाए बड़ा है? शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक व्यक्ति आत्माओं की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया, हमके शारीरिक व्यक्ति बन पा रहा है या आत्मिक व्यक्ति बन पा रहा है, एक तमर हम विचार है, तमर मन है, तिलिकला साफ साफ तमर मन है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है उसी है, क्योंकि ना तो परमेश्वर व्यवस्था का अधीन है और ना हो सकता है। नियम न्याज ना नियम तमर मना तमी कौन ताने मन लगा हुआ आसान है। मन के जानवा पिता कौन है? परमेश्वर है। हमी कसन सोचबू अचू, कसन विचार करबू अचू, कसन चलबू अचू, हमी कसन ने हिंडबू अचू, बसबू अचू, मन के जानवा पिता कौन है? परमेश्वर है। बाइबल ने लिख रहा है, बाइबल ने लिख रहा है, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इतना निकला आचे, उतना निकला आचे, रोमिल्ची निकला आचे, आठ सत्ताईस निकला आचे इतने। और मनों को जांचने वाला हाँ जानता है कि आत्मा की मनसा क्या क्या है, हाँ क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर जाने कि हमर आत्मा मनसा या लालच, हमर आत्मा इच्छा काय है जाने, लेकिन जो शरीर के जो चाहिए नहीं है मन नहीं है, शरीर को जो चाहिए नहीं मन तोड़ा हुआ है। हालेलुया, लेकिन जो आत्मा चाहते हुए परमेश्वर जाने तक का जरूरत है। आई तक बोल लिया से शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, इति लिख दिया से, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। छह ने लिख रहा चांटा छह ने, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर की फिर पैर रखना। हालेलुया, हालेलुया, मन ये हमार मन बहुत खतरनाक है। मन ने कहा गया सोच बात लो, विचार करवात लो, बहुत ही खतरनाक चीज है हमारा मन। सोच विचार कर लगाए करवात, सोच विचार कर काय काय करवात, लेकिन ये हमार ऊपर मन के पे नजर डाल रहा है परमेश्वर। हमार मन के पिने पहला सामुएल 16:7 ने निकला लिख रहा, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा अरे उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा का दृष्टि कौन सा निर्वाय मन पर, ना लंबाई के दक्षिया चे ना छोटे के दक्षिया चे, देगा के दक्षिया ना खूटी के दक्षिया, ना रूप के दक्षिया, ना सुंदर के दक्षिया चे थी काय बसिया चे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य ऐसा नहीं है। लम्बन मन दबा सनुआ उसको यहोवा काय के दक्षिया यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, 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 ये हमर मन के, हमर मन के आज यूना प्रचार कर सिया तो मन फिराओ सुर्ख राज निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हमें मन ना फिराए ले, हमें मन और बपतिस्मा ना होए ले, हमें स्वर्ग जाके ना सकते। हमर मन के सिर्फ परमेश्वर बात लगाए बार हमके कोई बात ना लगाए, हमी ये बड़े है बड़े दुनिया में बट लगाए हुए ले परमेश्वर मन के बनाई बल्ला।
हम ये बात आए बार दौड़ाएगु हमार मन के बात आए बार ना लगा हो तो परमेश्वर काय बोला हमार मन के बीमारी लग रहा आज बोला इर्मिया 17:9 मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ उसमें असाध्य रोग लगा है। रोग लगा है उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? हाँ मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दे फल दूंगा। हालेलुया हालेलुया काय बसे आज जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनके पुकारने पर भी मैं ना सुनूंगा। आज ही परमेश्वर वचन आज तुम्हारे बीच में पुकार से आचे हमारे पार इतने पुकार से आचे हमारे गांव में पुकार से आचे लोग ने पुकार से आचे तुम आशा अच्छा काय बसे आज तुम आशा मन के परिवर्तन करा। हालेलुया काय बसे आज मन के परिवर्तन करा। यदि मन के तुम परिवर्तन ना करना सर्वदा तुम ही हाथ दे बास मके पुकार बास हे परमेश्वर तो ना जान लु कै मा प्रभु हम सुनी सुनी का है बड़े गुरु कै मा प्रभु बल हृदय में ना सुनी बसी आ जा। हालेलुया हालेलुया काय बसी आ जे मैं नहीं सुनूंगा ये बे हमर मन के बदल वाला है का चित्र निकला जिरमिया ने मन ठोका देने वाला मन का है धोखा देने वाला जानते हुए लोग को धोखा देता है मन जाने जाने के लोग के धोखा दुआ है जाने जाने के मन नहीं बहुत धोखा दुआ है मन ताकि बीमार लग रहा है क्या लग रहा है बीमार ऐसा परमेश्वर बोल किया से मन सब वस्तु से भी धोखा देने वाला है इसलिए सात रोग लगा है उसी से उसका भेद कौन समझ सकता मन और बात के कौन समझवा उसको रोग लगा उसका भेद को कौन समझेगा उसके मन में क्या चल रहा है कौन समझेगा लेकिन केवल एक ही समझने वाला कौन है परमेश्वर मन को जांचने वाला हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी अनुसार उसकी कर्म के अनुसार उसकी चलने के अनुसार उसकी काम के अनुसार उसकी स्वभाव के अनुसार मैं उसका फल दूंगा। हालेलुया मन की खोजता हूं बसिया जो मन को खोजता और हृदय को जानता हूं ये भेद के कौन जाने परमेश्वर ही जाने कार भेद के मनर भेद के कार भेद के मनर भेद के ये मन धोखा देने वाला इसीलिए तुम मन को अपने कंट्रोल में करो। आज ही परमेश्वर पुकार सिया छे तुम मेरे पास आओ एवना रचि सुषमा चाहन एवना प्रचार कर से तुम मन को परिवर्तन करो। अब मन बपतिस्मा हुआ बसिया मन का बपतिस्मा। हालेलुया मन का बपतिस्मा बने जैसे पाप का बपतिस्मा धरवाते हैं दुबी कर है दिल ले प्रभु रास्ते चलो तस्नी मनर पिन को बपतिस्मा बोल सी मन का बपतिस्मा बप मन का बपतिस्मा बोले मन के परिवर्तन। हालेलुया मन के बदल बा परमेश्वर इच्छा अनुसार चल बा मन के ना बदल तुम अपने मन इच्छा चलोगे तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है धोखा देने वाला धोखा दे सी अच्छे मन के बहुत बहुत बेकार चीज है।